beta, last part of tort is remoteness of damage. Remoteness of damage का मतलब है, मैं तो सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए जिम्मेदार होंगी ना जो मुझे लगता है कि हाँ ये हो सकती. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड है, उसके ना यहाँ पे चोट है, ठीक है, और ऐसी चोट है कि अगर उसको मारो तो वो मर जाए, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता. आई वॉज जस्ट वॉकिंग अराउंड एंड वॉज जस्ट प्लेइंग विद हर, मैंने ऐसे हिट कर दिया एंड शी एक्चुअली डेड, ये उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई. तो क्या मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ? नहीं ना. सोचो दो लोगों सड़क पे जा रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया एंड देर वॉज अ प्रेगनेंट वुमेन स्टैंडिंग नियर बाय. अब प्रेगनेंट वुमेन ने जैसे ही वो ब्लड देखा तो उसका मिसकैरेज हो गया. क्या उस प्रेगनेंट वुमेन के मिसकैरेज के लिए वो लोग जो इनका एक्सीडेंट हुआ वो जिम्मेदार हैं? नहीं ना. इसको कहते हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेज. रिमोट का मतलब होता है दूर, आप रिमोट कंट्रोल करते हो ना, रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंस. आपका जो डैमेज है वो डिस्टेंट पे है, आप अज्यूम नहीं कर पा रहे हो कि आपके एक्शन के डायरेक्टली जिम्मेदार वो है या नहीं. पढ़ते हैं, इट इज क्वाइट सिंपल, वंस द डैमेज इज कॉज्ड बाय द रॉन्ग देयर हैव टू बी लायबिलिटीज. द क्वेश्चन रिमेन्स हाउ मच लायबिलिटी कैन बी फिक्स एंड व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन इट. द डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज इज वन प्रिंसिपल. An event constituting a wrong can constitute a single consequence or may constitute a consequences of consequence, that is series of act. The damage may be proximate, might be remote or too remote. तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है. पहली, test of reasonable foresight. आपको दिखना चाहिए कि हाँ यार ये हो सकता है. अभी जो मैंने एक्सीडेंट की बात करी कि लेडी खड़ी हुई है, प्रेगनेंट लेडी, और दो लोगों का एक्सीडेंट हुआ, तो वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है. लेकिन व्हाट इफ वो जो प्रेग्नेंट लेडी है वो वहीं पर बैठी होती, उसमें से एक व्हीकल में बैठी होती, तो वो जिम्मेदार हो सकते थे. ये डायरेक्टनेस है, फोरसाइट की बात है. तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है. ये दो फॉर्मूला है जो आपको रिमोटनेस ऑफ डैमेज की बात करेंगे. मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगी, ये सारी वीडियोज, ये सारा कॉन्टेंट सिर्फ उस हिसाब से बना है दैट यू आर अ लॉ एस्पिरेंट. आप लॉ का एंट्रेंस पेपर दे रहे हैं, आप सेमेस्टर की तैयारी नहीं कर रहे हैं. ध्यान से समझो, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये क्या नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आपके पेपर में आए एक भी लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उसकी वोकैबुलरी नहीं आती थी. तो आप इससे आप वकील नहीं बन रहे हो, आप वकील बनने लायक बन रहे हो. दोनों में प्लीज डिफरेंस समझो, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे. मैं अपनी पूरी मेहनत लगा रही हूँ, मैंने पूरी कोशिश करी एक एक चीज खुद लिखकर कि आपको सबसे सबसे प्रिसाइज और शॉर्ट में नोट्स मिल जाएं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. वीडियोस भी सारी प्रिपेयर हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. नाउ इट इज़ ऑन यू, अगर इतना सब मटीरियल के बाद भी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हो, एंड आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट. So you need to be very focused. ये बहुत अच्छा material है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत time की मेहनत है जिससे ये बनाया गया है. So I hope what I am trying to deliver, you are actually receiving it. All the very best. We have completed tort. अब आप tort के questions करें, previous year करें, challenges करें, अच्छी अच्छी quiz करें, तो tort कहीं नहीं जाएगा. ऐसे ही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है. All the very best. See you soon.